हाउ टू मेक एनिमे बैकग्राउंड, इस टॉपिक पर तुम्हें हजारों वीडियो मिल जाएंगे। और क्या तुम इन वीडियोस को देखकर एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड बनाना सीख जाओ? ऑफ कोर्स नॉट, बट आई एम गोना शो यू ऑल द सीक्रेट बिहाइंड मेकिंग अ ऑसम एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड। मैं पिछले 4 साल से डिजिटल आर्ट कर रहा हूँ और ये मैंने बनाया है और तुम भी बना सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास पीसी है या मोबाइल, ये प्रोसेस सभी डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर में वर्क करेगा। यकीन नहीं आता तो नारुतो से पूछ सकते हो। एक एपिक एंड प्रोफेशनल लुकिंग बैकग्राउंड बनाने के लिए हमें फॉलो करने होंगे ये 6 स्टेप्स एंड 5 वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें ये सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी देखकर बता देगा ये बैकग्राउंड किसी नूब ने बनाया है। बट इन 6 स्टेप्स को यूज करने से पहले हमें सीखने होंगे बेसिक रूल्स एंड फंडामेंटल्स। रियलिटी में बैकग्राउंड जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल होता नहीं। जो एलिमेंट्स कैमरा के काफी ज्यादा क्लोज होते हैं उन्हें कहते हैं फोरग्राउंड। इसी के अपोजिट जो एलिमेंट्स कैमरा से काफी ज्यादा दूर होते हैं उन्हें कहते हैं बैकग्राउंड। सिंपली जो फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड के बीच में आता है उसे कहते हैं मिडिल ग्राउंड। जरूरी नहीं है कि ये तीनों एलिमेंट्स सभी फोटोज में हो, कुछ फोटोज में फोरग्राउंड और बैकग्राउंड होगा और कुछ में मिडिल ग्राउंड और बैकग्राउंड। बैकग्राउंड बनाते टाइम हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना और वो है एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव। बट ये है क्या? एयर, डस्ट पार्टिकल्स एंड मॉइस्चर जैसी चीजों का एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होने से ऑब्जेक्ट्स बिकम लाइटर इन वैल्यू विद लेस कॉन्ट्रास्ट एंड सैचुरेशन एंड इट आल्सो लुक ब्लू इन डेलाइट। फॉर एग्जांपल ये माउंटेन्स एंड ट्रीज दिखने में ग्रीन नहीं काइंड ऑफ डार्क ब्लू है, बट मॉर्निंग एंड इवनिंग में ये ब्लू के साथ स्लाइटली ऑरेंज एंड पर्पल भी दिखेंगे। कभी अपने आसपास ध्यान देना, देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है होराइजन लाइन। बेसिकली ये एक इनविजिबल लाइन है जो स्काई को ग्राउंड से सेपरेट करता है और साथ ही में ओशन को भी। इट इज ऑल्सो द एक्चुअल हाइट ऑफ व्यूअर्स आई। नेक्स्ट ये है पर्सपेक्टिव लाइंस। ये लाइंस तुम्हें हर जगह देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो एक छोटा सा रूम हो या एक बड़ा शहर। और ये सभी लाइंस एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, जिसकी वजह से ये सभी लाइंस एक दूसरे से कहीं ना कहीं जाकर कनेक्ट जरूर होती हैं। और जहां ये कनेक्ट होती हैं उसे हम कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट। और ये वैनिशिंग पॉइंट हमेशा हमारे होराइजन लाइन पर ही बनता है। टिपिकली 3 टाइप के वैनिशिंग पॉइंट का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, इसमें सभी लाइंस एक सिंगल पॉइंट पर कनेक्ट होती हैं। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, इसमें सभी लाइंस 2 पॉइंट्स पर कनेक्ट होती हैं। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, यस, इसमें सभी लाइंस 3 पॉइंट पर जाकर कनेक्ट होती हैं। अगर चाहो तो 3 से ज्यादा भी पर्सपेक्टिव पॉइंट्स यूज कर सकते हो, जैसे कि 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 6 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 7, 8, 9, जितने चाहो उतने क्रिएट कर सकते हो। अब आ जाते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप पर, जो है रेफरेंस। और मैक्सिमम लोग यहीं पर मिस्टेक कर देते हैं और वो है रेफरेंस का यूज ही नहीं करना। अगर तुम सही में अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो तो तुम्हें रेफरेंस का यूज करना ही होगा। By using reference, you can study light, shadow, composition and perspective. और new techniques and styles भी सीख सकते हो skilled artist के work को study करके। That's why I told you, use reference for everything. ये reference लाएं कहाँ से? Simple है, Google, Instagram और my favorite Pinterest से download कर सकते हो। इसके बाद हमारा second step है rough sketch। हम रफ स्केच कभी भी शार्प हार्ड एजेस वाले ब्रश से नहीं करते। इसके लिए हमें यूज करना होगा वेरी लाइट ओपेसिटी एंड एजेस वाला ब्रश या पेंसिल ब्रश। रफ स्केच करते टाइम हमें बेसिक शेप एंड साइज पर ध्यान देना है और किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के डिटेल में नहीं घुसना। अगर तुम होराइजन लाइन एंड पर्सपेक्टिव लाइंस को फॉलो करते हुए स्केच ड्रॉ करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रफ स्केच कम्प्लीट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है आउटलाइन, और या कहें लाइन आर्ट। अब हमें रफ स्केच वाली लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है और उसे नाम देना है आउटलाइन, और इसी न्यू लेयर पर हमें आउटलाइन करनी है। अब हम हार्ड एंड शार्प एजेस वाले ब्रश का यूज कर सकते हैं। और हाँ, मैंने आउटलाइन करने के लिए अपने ब्रश की थिकनेस को काफी ज्यादा कम रखा है। वैसे तो ये आर्टिस्टिक चॉइस है और मैं सजेस्ट करूंगा आप भी अपने ब्रश की थिकनेस को कम से कम रखें, जिससे तुम्हारी आर्ट में ज्यादा रियलिस्टिक लुक आएगा। आउटलाइन की प्रोसेस को जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना ज्यादा अच्छा बनेगा। मैं ये स्ट्रेट लाइंस बनाने के लिए ड्राइंग टूल्स में फर्स्ट वाले ऑप्शन का यूज कर रहा हूँ। ये तुम्हारा काफी ज्यादा टाइम बचाएगा। आउटलाइन कंप्लीट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है फ्लैट कलर। अगेन क्रिएट अ न्यू लेयर नेम्ड फ्लैट कलर। नाउ ब्रिंग दिस फ्लैट कलर लेयर बिलो द आउटलाइन लेयर। इसके बाद इस वाले स्टेप में ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आर्ट वर्क में सिंपली कलर करना है या कहीं फ्लैट कलर करना है। पर्सनली मैं सबसे पहले कैनवस पर स्काई कलर करता हूँ, उसके बाद मैं एक एक करके बाकी की चीजों में कलर करता हूँ। बट हमें पता कैसे चलेगा कि किसी भी चीज में कितना डार्क और कितना लाइट कलर करना है? इसके लिए एक सिंपल टेक्निक है। किसी भी चीज के कलर पैलेट में कॉमनली होता है शेडो, मिड टोन एंड हाईलाइट। फ्लैट कलर करने के लिए हमें इन तीनों में से चूज करना होगा मिड टोन को। बोले तो हमें ऐसा कलर चूज करना है
जो ना ज्यादा डार्क हो और ना ज्यादा लाइट हो, दोनों के बीच का हो, क्योंकि शैडो एंड हाईलाइट तो हमें बाद में ऐड करना ही है। फ्लैट कलर करते टाइम काफी ज्यादा लोग एक और बिग मिस्टेक करते हैं, वो है एक सिंगल लेयर पर ही फ्लैट कलर कर देना। तुम्हें ये बिल्कुल नहीं करना है, वरना आगे शेडिंग करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए मैंने सभी ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग सेपरेट लेयर पर कलर किया है, जैसे कि ये स्काई, रेल ट्रैक, रोड, स्टेशन बिल्डिंग एंड यूटिलिटी पोल को अलग अलग लेयर पर कलर किया है। फ्लैट कलर अच्छे से कंप्लीट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है शेडिंग एंड हाईलाइट। ये वाला स्टेप बैकग्राउंड प्रोसेस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट कैन मेक और ब्रेक योर बैकग्राउंड। अब हम फिर से एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और इस लेयर को क्लिपिंग करेंगे उस लेयर के साथ जिसे तुम सबसे पहले शेड करना चाहते हो। जैसे कि मैं पहले शेड करूंगा इस स्टेशन बिल्डिंग को। शेडिंग करते टाइम बेसिकली तुम्हें तीन चीजों पर फोकस रखना है, शेडो, हाईलाइट, मोस्ट इंपोर्टेंट बाउंसिंग लाइट। बाउंस लाइट काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये तुम्हारी ड्रॉइंग को रियलिस्टिक बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। शेडिंग करते टाइम काफी लोग क्या करते हैं कि कहीं से भी डार्क कलर लेकर या फिर प्योर ब्लैक कलर लेकर शेडिंग करने लगते हैं। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, वरना देखने में ड्राइंग कम गोबर ज्यादा लगेगा। अब मैं तुम्हें प्रोफेशनली शेडिंग करने की एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक बताऊंगा जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। सबसे पहले चूज योर मिड टोन कलर। इसके बाद जितना तुम्हारा नीड है उतना ही कलर को डार्क करो और साथ ही में हल्का सा राइट साइड को मूव करके सैचुरेशन को भी बढ़ाना है। अब इस कलर व्हील को हल्का सा कूल कलर की साइड मूव करना है। अब तुम शेडिंग कर सकते हो जो दिखने में पहले से काफी ज्यादा प्रोफेशनल लगेगा। सिमिलर हम हाईलाइट के साथ भी कर सकते हैं। अगेन चूज योर मिड टोन कलर। इसके बाद पहले वाले का अपोजिट करना है, कलर को डार्क की जगह लाइट करना है। फर्स्ट गो अप एंड स्लाइडली मूव लेफ्ट। अब इस कलर व्हील को हल्का सा वार्म कलर की साइड मूव करना है। ऐसे तुम प्रोफेशनली हाईलाइट भी कर सकते हो। सिंपली बोलूं तो तुम्हें यहाँ ध्यान रखना है कि शेडोज डार्क ब्लू एंड डार्क पर्पल टोन में और हाईलाइट्स लाइट येलो एंड लाइट ऑरेंज टोन में होनी चाहिए। अच्छा होगा कि शेडिंग करते टाइम तुम टेक्सचर एंड कस्टम ब्रश का यूज करो, जिससे एक यूनिक लुक आएगा और तुम्हारा काफी टाइम भी बचेगा। जैसे कि पेड़ों के पत्ते बनाने के लिए मैं इस टाइप के ब्रश का यूज करता हूँ, ग्रास बनाने के लिए कुछ इस टाइप के ब्रश का और क्लाउड बनाने के लिए कुछ इस टाइप के ब्रश का यूज करता हूँ। मैंने ऐसे ढेर सारे ब्रश कस्टमाइज किए हुए हैं, किसी को चाहिए तो बता देना। इसी के साथ हमारा बैकग्राउंड 95% डन। अब जाते हैं हमारे फाइनल और माय फेवरेट स्टेप पर, ब्लेंडिंग मोड। नॉर्मल ब्लेंडिंग मोड, नॉर्मल ब्लेंडिंग मोड, यू कैन सी द डिफरेंस। एनीमे वगैरह बनाने के लिए इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। अगर मैं ब्लेंडिंग मोड को एक्सप्लेन करने बैठ गया तो घंटों की वीडियो बन जाएगी। अभी के लिए तो हमें बस ये करना है, फर्स्ट सभी लेयर के ऊपर क्रिएट अ न्यू लेयर। अब यहाँ नीचे नॉर्मल पर टैप करके ब्लेंडिंग मोड में जाकर इस ऐड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद एयरब्रश को लेकर उसमें येलो या ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है और अब इस टाइप से हाईलाइट करना है। ब्लेंडिंग मोड की वजह से दिखने में काफी ज्यादा ऑसम लगेगा। इसी के साथ हमारा बैकग्राउंड इज डन। साथ में कुछ करेक्टर्स भी ऐड कर सकते हो टू क्रिएट अ स्टोरी। बोनस टिप, डोंट ट्राई टू मेक एवरीथिंग परफेक्ट, इंस्टेड क्रिएट इल्यूजंस दैट लुक लाइक रियल थिंग। मैंने जिस ऐप पर ये बैकग्राउंड बनाया है उसे सीखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो और मोबाइल पर एकदम टॉप नॉच एनिमेशन बनाने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो।